हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 28 जनवरी 2020 माघी अंगारकी गणेश चतुर्थी। संकटों को दूर करने के लिए जरूर करें ये काम। शास्त्रों और हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती मनाई जाती है। इसे तिलकुंड चतुर्थी व विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। श्री गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा की बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान गणेश जी की उपासना बहुत ही लाभकारी होती है और उनका प्रभाव 1000 गुना अधिक होता है। पुराणों में माघ मास की चतुर्थी मोक्ष प्राप्ति के लिए खास मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम साल 2020 माघ महीने में आने वाली विनायक चतुर्थी के व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माघी विनायक चतुर्थी मान्यता। माघ मास में आने वाली श्री गणेश चतुर्थी तिथि के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस तिथि को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन बप्पा के मंदिरों में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन की गई गणेश जी की उपासना सर्वाधिक लाभकारी होती है। यूँ तो हर माह में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन यदि यह चतुर्थी मंगलवार के दिन हो तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से विशेष फलों के साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माघी गणेश जयंती शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में माघी विनायक चतुर्थी का व्रत 28 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 28 जनवरी सुबह 8:20 पर, वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी सुबह 10:50 पर। गणेश चतुर्थी पूजन विधि। माघ मास की चतुर्थी तिथि के दिन पूजा के लिए सबसे पहले स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद रोजाना की तरह पूरे विधि विधान के साथ पूजा आरंभ करें। श्री गणेश मंत्र ओम गं गणपते नमः का जाप करते हुए आरती कर लें। आरती करने के बाद गणेश जी को 11 या 21 लड्डुओं व मोदकों का भोग लगाएं और शाम के समय सभी को प्रसाद वितरण कर अन्न जल ग्रहण करें। मान्यता है कि गणेश जयंती के दिन पूजा में लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल चंदन का प्रयोग कर व्रत पूजा व उपाय से सभी संकटों का नाश होता है। विनायक चतुर्थी का महत्व। विनायक चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा दिन में 2 बार दोपहर और मध्याह्न में करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत व इस दिन गणेश जी की उपासना करते हैं तो उन्हें इस व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ ही ज्ञान का वरदान भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अंगारकी विनायक चतुर्थी उपाय। शिव ग्रंथ के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म माँ कृष्ण चतुर्थी को ही माना जाता है। इस दिन गणेश पूजा और उपासना के अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, इसीलिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गं गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माघ का महीना बेहद पवित्र और दान पुण्य के लिए खास होता है। यदि इस माह की चतुर्थी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरत मंदों को कुछ न कुछ दान किया जाए तो कहा जाता है कि आपके द्वारा किए गए दान पुण्य का कई गुना अधिक सौभाग्य और ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।